वसई रोड से यात्रियों को लेकर निकली स्पेशल ट्रेन शनिवार दोपहर नौका रेलवे स्टेशन पहुंची। नौका रेलवे स्टेशन पर पालिका एवं प्रशासन ने यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखवाते हुए सभी को अपने गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था की। नगर पालिका द्वारा लगेज का सैनिटाइजर किया गया। यात्रियों के लिए नाश्ते की व्यवस्था भी की गई। स्टेशन पर ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यात्रियों के स्वास्थ्य परीक्षण पर आइसोलेशन में घर पर ही रहने के फॉर्म भरवाए। इस अवसर पर नौका विधायक बिहारी लाल विश्रोई ने कहा, हमने राज्य सरकार से यात्रियों को सुरक्षित रूप से अपने घर लाने की व्यवस्था करवाने की मांग की थी। हमारे नौका बीकानेर के प्रवासी बंधु जो महाराष्ट्र के मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में हजारों की संख्या में अकेले मुंबई में 940 के लगभग छुट्टी थी। पूरे महाराष्ट्र में 2223 लोग 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ दूसरी हुई, उसके साथ उठाया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया कि आप सूची हमारे सुबोध अग्रवाल जी को उपलब्ध करवाइए उद्योग सचिव को, और ये ट्रेन की व्यवस्था सरकार करेगी और सूची अगले उसी दिन उपलब्ध करवा दी। और हमारे इसके लिए प्रशासन क्या व्यवस्था कर रहा है? भास्कर सावंत जी जो नोडल अधिकारी के रूप में महाराष्ट्र को देख रहे हैं, उनका सुबोध अग्रवाल जी का, मुख्यमंत्री जी का और रेल मंत्रालय भारत सरकार का और महाराष्ट्र सरकार के भी योगदान को हम धन्यवाद करते हैं हमारे प्रवासियों को। राज्य सरकार ने यात्रियों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेन व बसों की व्यवस्था करवाई है। नौका SDM रमेश देव ने मुंबई से सीधे नौका पहुंचे यात्रियों को अपने गृह जिले तक पहुंचाने के लिए राज्य परिवहन की बस से बुलवा रही थी, जिनमें निःशुल्क यात्रा करवाई गई। इस ट्रेन का रास्ते में स्टॉपेज नहीं होने के कारण फालना तक यात्री नौका उतरे, उन्हें पहुंचाने की भी प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था की। नौका पालिका अध्यक्ष नारायण झंवर, पुलिस वृत्ताधिकारी नेम सिंह, तहसीलदार द्वारका प्रसाद, CO डॉक्टर श्याम बजाज, नौका थानाधिकारी अरविंद सिंह शेखावत सहित पुलिस एवं प्रशासन का पूरा जाब्ता रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाएं सुचारू करने में जुटा रहा। यह ट्रेन नौका में अधिकतर सवारियों को उतारने के पश्चात बीकानेर की ओर रवाना हुई। सुरेश जैन, एक्सप्रेस 1 न्यूज़, बीकानेर, राजस्थान।